हाय गाइस, मैं राजू आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने गूगल एड्स अकाउंट को कैसे कैंसिल कर सकते हो अगर आपका अकाउंट हो जाता है सस्पेंड। तो बहुत ईजी है और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप अपने गूगल एड्स अकाउंट को कैंसिल कैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना है, सॉरी, सबसे पहले आपको अपना गूगल एड्स अकाउंट ओपन कर लेना है। एंड जैसे आप यहाँ पे ओपन कर लोगे, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुका है ऑलरेडी। ओके, सस्पेंड हो चुका है। मैं अब चाहता हूँ कि ये मेरा अकाउंट जो है ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको टूल्स एंड सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, प्रेफरेंस, और इसके ऊपर ऑलरेडी ही वीडियो बना रखा है मैंने, इसके ऊपर जाके आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रेफरेंस। जैसे ही आप प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लाइक अकाउंट एंड स्टेटस। जैसे ही आप अकाउंट एंड स्टेटस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देख सकते हो मेरे अकाउंट जो है एक्टिवेट है। मुझे इसे करना है रीएक्टिव कैंसिल। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है कैंसिल माई अकाउंट, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है कैंसिल। और जैसे आप कैंसिल अकाउंट पे क्लिक करोगे, आपका अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, और विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपका अकाउंट हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। देख सकते हो काफ़ी ईजी स्टेप है और ईजिली आप यहाँ पे कैंसिल अकाउंट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है अपने अकाउंट कैंसिल करने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक्स अगेन।